कंगना और स्वरा भास्कर कभी भी इनके ओपिनियंस मैच नहीं किए, लेकिन कल मुंबई में एक ऐसा शर्मनाक इंसिडेंट हुआ जिस पर कंगना और स्वरा क्या कितने भी बड़े दुश्मन हो वो यही बोलेंगे बहुत ही घिनौनी हरकत की है। एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर अटैक किया शिव सैनिकों ने, किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक मीम शेयर कर दिया, और मीम किसका था? उनके आका का था। इसीलिए शिवसेना की इस हरकत पर सभी लोगों ने नाराजगी जताई है और सभी ने इस हरकत को गलत ठहराया है। बॉलीवुड के काफी सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखी है कि इस तरह की हरकतें बहुत ही शर्मनाक है। कंगना रनौत ने कहा शेम उस वीडियो को शेयर करते हुए, एक्चुअली जिस वक्त देश की शान को सर्व करने वाले एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ ये किया जा रहा था वो सारी चीजें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जो वीडियो काफी वायरल हो रही है, और उसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा शर्मनाक। स्वरा भास्कर ने भी इस पर अपने विचार शेयर किए हैं, कहा है कि शिवसेना का अटैक एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर इस बात के लिए कि उन्होंने उद्धव ठाकरे पर एक जोक शेयर कर दिया, शॉकिंग, शेमफुल, असहनीय। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में इस तरह की वॉयलेंस तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और अगर आप वॉयलेंस करते हो तो आप अपने आप को एक अच्छी सरकार नहीं कह सकते हैं। बेसिक लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह से धज्जियां उड़ाना वाकई में शर्मनाक बात है। स्वरा और कंगना के अलावा प्रीति जिंटा ने भी इस बात को, इस हादसे को कंडेम किया है। उन्होंने भी अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन शेयर किया है, और लोगों ने भी इस हरकत को लेकर बहुत नाराजगी जताई है। एक यूजर ने क्या लिखा वो मैं आपको बताती हूँ। वाह रे शिव सैनिकों, एक बुजुर्ग तुम्हें नहीं दिखा, एक पूर्व नौ सैनिक तुम्हें नहीं दिखा, दिखा तो तुम्हें सिर्फ एक कार्टून। ये पंक्तियां अपने आप में बहुत कुछ समझा जाती है कि किस तरह की राजनीति यहाँ चल रही है। क्या वन साइडेड, क्या गुंडागर्दी वाली, ये आप ही डिसाइड कीजिए।